की ऑफिसर के लेवल में कोई गलती नहीं है, लेकिन नायब सूबेदार से लेकर बाउंड्री कैप्टन तक के में गलतियां ही गलतियां हैं। और फिर बोलते हैं कि हम लोगों ने नहीं किया है। वही लोग आर्मी हेडक्वार्टर से जो पे कमीशन सेल है उससे फीडबैक देते हैं। तो हम लोगों ने इन सब मांगों को मनवा के रहना है और सरकार को ये बातें माननी ही पड़ेगी। इसके साथ ही जो हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है उसकी जब तक सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक जो है आवाज नहीं उठाएगा तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसी तरह हम लोग जो है एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे और जो है उनकी जी हुजूरी करते रहेंगे, उसको हमने खत्म करना है। मैं इसी बात के साथ जो है आप लोगों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ जो बहुत दूर दूर से आए हैं, और ऑर्गेनाइजर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी। सब हमारे प्रशासन डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से आया हूँ, INTU का है। अभी जो भी है, अभी हमारे जो भी नेता बैठा है वो जय जवान जय किसान वो नारा लगाता है, लेकिन जवान के लिए है कुछ नहीं रहता है, किसान के लिए कुछ रहता है, सब कुछ जो कुछ है अब पर पाला ले जाता है। ऐसी सेम ऐसी मुताबिक अभी जो जिसने ये वो भी बनाया है अभी अभी उसको अभी अभी है थर्टी परसेंट है ये ठीक ना है, नहीं तो दिया चाहिए। हमारा मुद्दा है आज का जंतर मंत्र का नाम अपने सर। हम आंध्र प्रदेश से आया हुआ एक्स सर्विसमैन हूँ, इंटीग्रेटेड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारा ये डिमांड है जो OROP टू रीजन में जैसे वर्स के लिए जो अन्याय हुआ है उसको सरकार पहचानना चाहिए, करना चाहिए। जो मैं है वो हमको मिलना चाहिए पक्का। हमारे सरकार हर प्रदेश से पधारे हुए हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ तेलंगाना जितना सैनिक जंत्र मंत्र के पास ऐसा सड़क पे बिठा दिया वो आपका देश के लिए आपके शोभा नहीं देता है। सारे डिस्ट्रिक्ट सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए है माजी सैनिक और सैनिक करता है, मगर आखिर में सड़क पर बिठा दिया। आप हमारे साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं जय भारत जय जवान जय किसान कि आपने जवान जोशियों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा यहाँ पर ये प्रोग्राम भव्य प्रदर्शन यहाँ पर करवाया। साथियों देश जब गुलाम था उस समय मैं कैप्टन राणा अध्यक्ष उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्ध सैनिक संगठन डोयला ब्लॉक के मेरा नम्र निवेदन है कि सैनिकों की पीड़ा को समझो। सैनिक क्या है, सैनिक का क्या मतलब होता है, सैनिक की अगर देश सैनिक की पीड़ा नहीं समझ पाया तो आज जो हमने खोया है वो सब कुछ चले जाएगा। एक दिन डिमांड है आप लोग सबसे पहले नंबर एक MSP मिलिट्री सर्विस पे इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक सैनिक का खून मिलिट्री सर्विस पे एक सिपाही से लेकर एक जनरल साहब तक जो है सैनिकी कहा जाता है और वो बराबर होना चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रैंक के मुताबिक जो भी बढ़ोतरी घटोतरी हुई है, जो भी बेसिक में 2.51 का फैक्टर लागू हुआ है उसको छोड़ के 2.81 के फैक्टर से जो है सभी को मिलना चाहिए, चाहे वो कम बेसिक वाला है चाहे वो ज्यादा बेसिक वाला है, सबको एक समान मिलना चाहिए। हम भारत के वासी हैं, हम भारत के ही सैनिक हैं, हम दूसरे देश के नहीं। भेदभाव को खत्म किया जाए, ये भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव जबरदस्त फैलाव देगा। अगर ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ
आने वाले वक्त में सेना को पीछे नीचे देखना पड़ेगा। और जितने भी 97% सैनिक हैं आज वो ऐसे लग रहे हैं कि हम ठगे हुए हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी जो है तीन डिमांड है और एक की है, हमारी जो है पेंशन जो है लास्ट सैलरी 75% हो या इक्वल एमएसपी के बराबर जो है उसका पेंशन फिक्स किया जाए या इसका रैंक को लेके मैक्सिमम पे सैनिकों का पेंशन हो ताकि जो है उनको अच्छे हाथ मिल सके। क्योंकि वारंटी वन और वारंटी टू में जो निचले रैंक के जो है सिपाही से लेकर के ऑनरी रैंक का काफी दबा गया मानसिक रूप से, और कुछ खास बात हमारे अधिकारी वर्ग को भर भर कर दिया है जो कि सही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक देश में बहुत बड़ा विभाजन कर रहा है नीचे और ऊपर के बीच में, क्योंकि समाज स्थापित होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। करीब करीब इस धरने में करीब 3 से 4 हजार आदमी आ चुके हैं आने की संभावना है। हमारे यहाँ से आए हैं उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, यूपी, हरियाणा इत्यादि इत्यादि, जिसका नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ये बताइए कि कोई आप लोग मेमोरेंडम भी देने वाले हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? यस, मेमोरेंडम देने वाले हैं, रक्षा मंत्री और पीएमओ दोनों को हम देने वाले हैं। और हमारे साथ जो एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर तमाम कम से कम 50 मेमोरेंडम पर साइन कर रहे हैं, एक संयुक्त मेमोरेंडम बन रहा है, इसमें साइन करके कल हम लोग हैंड ओवर करके आएंगे। भारत माता की।